नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी में क्या ये एक स्कोप है या फिर हमारी सिर्फ एक होप है? क्या वाकई में कंपनी ने इतना बड़ा कोई टर्न अराउंड किया है जिस वजह से हम इस पर पैसा लगा सकें अपना और फ्यूचर में इसमें बड़ा मुनाफा बना सकें? कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर हम देखने वाले हैं, कंपनी के बारे में जानकारी आपको टोटली मिलने वाली है। तो सब कुछ देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा और आपका नजरिया भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और वहीं साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा कोर्स आपकी इतनी हेल्प करने वाला है कि आपका जो लॉस है ना वो सारा रिकवर होकर आप प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन जाएंगे, डेली आप प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर आपको ट्राई करना है था तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर फुल कोर्स नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली एक स्ट्रेटेजी भी बाय कर सकते हैं। एवरी 5 मिनट की स्ट्रेटेजी 100% आपको प्रॉफिट बना करके देगी अगर आप उस स्ट्रेटेजी को भी बाय करते हैं, जो कि बहुत कम प्राइस पर और साथ ही साथ 10% का डिस्काउंट भी आपके लिए मिल जाएगा। तो कूपन अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर हम बात करें सुजलॉन एनर्जी की। तो सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखिए, जब कंपनी का IPO आया था 2005 में तो 123 रुपए से ये स्टॉक बहुत तेजी से अच्छा परफॉर्म करता गया और कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों का पैसा कई गुना करके भी दिया। लेकिन जब 2008 का क्राइसिस आया तब ये दुनिया की, उस समय अगर उससे पहले देखें तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी विंड टरबाइन एनर्जी की कंपनी थी जो कि उस क्राइसिस को नहीं झेल पाई 2008 के क्राइसिस को, और सीधे कंपनी वहां से जब गिरना स्टार्ट हुई है और उसके बाद कंपनी की हालत खराब हो गई। आप देखिए सिर्फ उस क्राइसिस की ही बात नहीं है, उस क्राइसिस को झेल ना पाने का रीजन सबसे बड़ा ये था क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारी कंपनी को एक्वायर किया, और एक्वायर करने के लिए जैसे अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप खरीदने के लिए सबसे पहले पैसे का इंतजाम करेंगे उसके बाद उसको बाय करेंगे। लेकिन कंपनी ने पहले उन चीजों को बाय करना पसंद करने का प्लान बनाना किया उसके बाद पैसे का इंतजाम करने का, और पैसा कैसे लिया, या तो अपने शेयर बेच करके या गिरवी रख के, या फिर कहें तो कंपनी ने बैंक से पैसा लोन पे उधार लिया, और लोन का जो अमाउंट था वो इतना बड़ा था कि उसका इंटरेस्ट देना कंपनी के लिए उस टाइम में 2008 के समय के बाद बहुत ही भारी पड़ रहा था, और लगातार कंपनी डाउन होती चली गई। फिर साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसका सपोर्ट देना बंद किया, इसका बोले तो स्पेशल सुजलॉन एनर्जी ने विंड टरबाइन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों का सपोर्ट करना बंद कर दिया। उस समय इनके लिए जो इंसेंटिव मिलता था वो भी बंद हो गया, साथ ही साथ कोई नई स्कीम नहीं आ रही और साथ ही साथ कोई नए टेंडर नहीं आ रहे, तो एक तो काम मिलना बंद हो गया, ऊपर से इतना बड़ा इंटरेस्ट जो कि कंपनी पे नहीं कर पा रही थी, और बार बार कंपनी यही कर रही थी। तो इससे पहले भी 2 बार कंपनी ऐसी कोशिश कर चुकी है टर्न अराउंड करने का, बहुत सारी चीज़ें बेच करके और अपने बिजनेस में वापस से कम बैक करने की कोशिश करती आई है। लेकिन इस बार नया क्या है, इस बार नया सबसे बड़ा तो ये है कि यहाँ पर कंपनी ने अपना जो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज था उसको इतना ज़्यादा घटा दिया है कि अब कर्ज बहुत ही कम रह गया है, 2,000 करोड़ के करीब ये कर्ज आ चुका है, तो जिससे कंपनी पर अब एक बड़ा इंटरेस्ट का बर्डन खत्म हो गया है। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा कंपनी के ऊपर इतना, और इसी वजह से आप देखें कि स्कोप हमें दिखाई देता है और हमारी जो होप यहाँ पर बन रही है। अब देखिए दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि इससे पहले जहां गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना बंद कर दिया था, भाई वापस से गवर्नमेंट की आंखें अब वापस विंड टरबाइन एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की तरफ जा रही हैं, जिसकी वजह से एक हमें और ज्यादा होप मिल जाती है यहां पर और एक स्कोप दिखाई देता है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात ये होप और स्कोप में डिफरेंस कैसे होगा, देखिए अभी तक तो हमने जितना भी पैसा इस स्टॉक में लगाया या फिर हम कहें यहाँ पर जो स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली है पिछले 1 साल के अंदर, वो तेजी की वजह थी अभी होप। अब इसको स्कोप में बदलने के लिए सबसे पहले कंपनी के लिए अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट है ना वो अच्छे करने होंगे, मतलब कि यहाँ पर अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा और रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा चाहे थोड़ा भी सही तब, और ऑपरेशन से प्रॉफिट होना है ना कि कोई चीजें बेच करके। इससे पहले आपने कई रिजल्ट देखे जहां पर कंपनी को बड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ लेकिन वो प्रॉफिट यहां पर कंपनी ने ऑपरेशंस के द्वारा नहीं कमाया, वो प्रॉफिट सारा का सारा अपने लैंड्स बेच करके या फिर अपने प्लांट्स बेच करके यहां पर किया। तो कंपनी ने अपनी जो गलतियां तो सुधारी हैं, जब पहले एक्वायर करने की वजह से उसकी होड़ में कंपनी ने जहां बड़ा बड़ा कर्ज लिया था उस कर्ज को खत्म किया है, गवर्नमेंट ने जहां अपना हाथ खींच लिया था गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया है, आने वाले फ्यूचर के अंदर
कंपनी पर और भी ऐसी अच्छी चीजें यहाँ हमें देखने को मिल सकती हैं, सिर्फ इसी वजह से एक हमें स्कोप दिखाई देता है। लेकिन फिर भी थोड़ा केयरफुल जरूर रहिएगा, और जब तक थोड़े बेहतर एक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तब तक आप बड़े लेवल पर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। फिलहाल अगर हम अभी अगर देखें इस स्टॉक को तो अभी 25 रुपीज के करीब ये स्टॉक चल रहा है, जिसने पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ही तगड़े रिटर्न आपको बना करके दिए हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत खुश होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिक्कतें यही आ सकती हैं। अगर ये सिर्फ एक होप रही, जो कि अभी तक हमें दिख रहा है कि जो भी पैसा लगाया गया है वो एक होप में ही लगा है, और इस होप को स्कोप में कंपनी को बदलना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कंपनी के बारे में तो आप जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी अगर हम देखें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का टाइम, तो अभी आप देख सकते हैं स्टॉक ने अभी 25 रुपीज के नीचे स्टॉक देखने को मिलता है। आप यहां पर 28 रुपीज तक के लिए जा सकते हैं, और आने वाले फ्यूचर के अंदर हम कंपनी को एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि यहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फ्रेश पोजीशन के साथ, या फिर जो पुरानी पोजीशन है उसको होल्ड करके रखना चाहिए। उसको तो होल्ड कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हैं। अगर ये सब कुछ सही होता है तो वापस से जब एक समय यही कंपनी 400 रुपये के करीब थी, वहाँ पर जाने के लिए तो अभी बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि 15 साल तक इस कंपनी ने लॉस दिया है इन्वेस्टरों के लिए। 2008 के बाद कभी कंपनी वापस उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई, उस लेवल को छोड़िए 3 डिजिट में नहीं पहुँच पाई है। तो यही सब कुछ हमें देखना जरूरी होगा। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ आपको वन ऑन वन अगर मुझसे हेल्प चाहिए होगी तो वो भी आपको मिल जाएगी, बात हम कर सकते हैं।